नमस्कार, मधुबन गार्डन चैनल पर आपका स्वागत। अपने रूप, रंग और गंध से जिस फूल ने अपना एक स्थान बनाया है, उस सुवर्ण चंपा का पौधा कैसे लगाया जाता है, ये हम आज देखने वाले हैं। मेरी एक सहेली जिनका नाम है सुनंदा जी ईके, उन्होंने यह पौधा मुझे जन्मदिन पर बधाई देते वक्त भेंट किया था। तोहफे के तौर पर मिला हुआ यह पौधा मुझे यादगार के वास्ते तो लगाना ही था, तो सोचा कि क्यों न इस प्रक्रिया को सबके साथ शेयर करें। सुवर्ण चंपा के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद शुरू में एक दो फूल खिलते हैं, बस उसके बाद पौधे की ग्रोथ जैसे थम सी जाती है, कलियों का गिरना शुरू होता है। हम संभ्रम में पड़ते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि सुवर्ण चंपा लगाने का सही तरीका क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पॉटिंग मिक्सचर होती है, मतलब इसको लगाते समय मिट्टी कैसी होनी चाहिए। आप जमीन पर लगा रहे हो या फिर गमले में, सुवर्ण चंपा की तैयारी 15 दिन पहले से शुरू करनी होती है। तो चले देखें कि क्या क्या करना होता है। जितना हो सके उतना बड़ा गमला लीजिए, क्योंकि ये तो वैसे ही बड़ा पेड़ होता है। पानी का निकास हो इसलिए गमले के तल पर छिद्र बनाए। उन छिद्रों पर ठिकरे उल्टी बाजू से ढक दीजिए, ताकि ज़्यादा पानी उनके नीचे से बाहर जाए लेकिन मिट्टी वही रहे। अब अच्छी सूखी हुई या फिर आधी सड़ी हुई पेड़ों की पत्तियां इकट्ठा करें और टुकड़े करें। अगर अच्छी सूखी हो तो आसानी से मरोड़ जाएगी। आपको इसकी जितनी हो सके उतनी तोड़कर बुकनी करनी है। अब गमले के हिसाब से मिट्टी, बालू और खाद, इनका सम प्रमाण में मिश्रण तैयार कीजिए। सुवर्ण चंपा में दुधिया सैप होने के कारण इसकी छाल काफी पतली होती है। ऐसे पेड़ों की पानी की मांग कम रहती है और पानी का निकास अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मिट्टी और खाद के बराबर समान मात्रा में बालू लीजिए। उसमें एक मुट्ठी भर बोन मील मिलाइए। एक कटोरी में पानी लेकर उसमें ह्यूमिक एसिड पाउडर और फफूंदनाशक डालिए और यह मिश्रण मिट्टी के मिश्रण में अच्छी तरह से मिलाइए। यहाँ एक बात ध्यान से देखें कि आपको ह्यूमिक एसिड लेना है, ना कि पोटेशियम ह्यूमेट। ह्यूमिक एसिड और फफूंदनाशक दोनों ही बहुत आवश्यक है। अगर ह्यूमिक एसिड पॉटिंग मिक्सचर में नहीं डाला तो पौधा लगाने के बाद जब पहली बार पानी देते हैं उस पानी में डालेंगे तो भी चलेगा। अब गमले के तल में ईंट के टुकड़े डालिए, इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। उस पर सूखे पत्तियों की बुकनी दबाकर भरे, जितना हो सके इसको दबा दे। अब इसके ऊपर हमने तैयार किया हुआ पॉटिंग मिक्सचर भर दे। इसको ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं, थोड़ा भुरभुरा रहा तो अच्छा रहेगा। इसमें काफी पानी डालकर पूरे गमले की मिट्टी भिगाने के लिए रख देनी है। अब उसमें लोहे का एक रॉड या सलाई नीचे तक घुसा कर रखना है। ये सिर्फ तापमान मापने के लिए करना है, इसलिए आपके पास धातु की कोई भी चीज हो चलेगी। अब गमले को बोरी या फिर किसी फर्टिलाइजर का खाली बैग लेकर ढक कर रखना है। इसे 1 या 2 हफ्ते हमें ऐसे ही रखना है, जब तक ये पूरी तरह से तैयार नहीं होता। इसमें मौजूद खाद के कारण जो हीट पैदा होगी वो पूरी तरह से निकल जाने तक ऐसे ही रखना है। इसे मैरिनेशन कहते हैं। सुवर्ण चंपा को मिट्टी थोड़ी एसिडिक चाहिए, तो हम ये कैसे जाने कि मिट्टी पौधे के लिए तैयार है या नहीं। हर 4-8 दिनों के बाद यह सलाई निकाल कर देखें। अगर इसमें मौजूद गोबर खाद अच्छी तरह से सड़ी नहीं होगी तो सलाई थोड़ी गर्म महसूस होगी।
इसका अर्थ अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है। एक गिलास पानी डालकर इसे फिर ढक कर रख दे। मेटल भी उसी जगह वापस रखे। समय समय पर चेक करते रहिए। जिस समय आपको सलाई पूरी ठंडी लगे तब जाकर मिश्रण पौधा लगाने के लिए तैयार है ऐसा समझे। अगर आपने अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद डाला हो तो 4 दिन में भी आप इसे तैयार पाएंगे। तो चलिए, मिट्टी तो खास तैयार हुई, अब पौधा लगाते हैं। इसमें मौजूद सब गर्मी निकल गई है। अब पौधे के नीचे जितनी ऊंची मिट्टी होगी उतना गहरा गड्ढा करना होगा। गमले के बीचों बीच यह गड्ढा खोदना है। देखा जाए तो हमें सिर्फ भुरभुरी मिट्टी ही तो निकालनी है। नीचे कैरी बैग हो तो उसे हल्के से काटकर जड़ों को चिपकी हुई मिट्टी को डिस्टर्ब किए बिना निकाल ले। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि स्वर्ण चंपा की जड़ें बहुत नाजुक होती है, उन्हें थोड़ी भी हानि ना पहुँचे। अब मिट्टी समेत पौधा गड्ढे में खड़ा करना है। मिट्टी को जड़ों से खुले करने के पौधे अलग होते हैं, जैसे कि गुलाब। उसे लगाते समय हम जड़ों को मिट्टी से खुला करके, मिट्टी से अलग करके जड़ों को जमीन में जाने का रास्ता देते हैं। स्वर्ण चंपा की जड़ें एकदम पतली होने के कारण यहाँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। पौधा जैसे लाया था उसी स्थिति में इसको लगाना है। अब गमले की बाजू में मौजूद मिट्टी को अच्छे से गड्ढे में ढकेल कर पौधा खड़ा करें। और अब एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, नीचे कलम किया हुआ पौधे का जोड़ पहचाने और उसे मिट्टी के अंदर न जाने दें। उसे बाहर रखते हुए ही पौधा लगाए। इसके बाद आता है पानी। पहला पानी देते समय 2-3 गिलास से ज़्यादा नहीं डालना है। शुरू में इसको बारिश और धूप से भी दूर रखना होगा। एक बार यह पौधा गमले में सेट हो गया तो बाद में आप गमले को किसी भी जगह रख सकते हो। हालांकि कम से कम 4 से 5 घंटे इसे धूप मिलनी चाहिए। बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि बारिश के मौसम में पौधा जल्दी सेट हो जाएगा। इसके जड़ों की बढ़त शुरू में धीमी होती है। अब अगर आप पौधा जमीन में लगा रहे हो तो भी इसी तरीके से लगाना है। एक बार पौधा सेट होने के बाद 6 महीने में एक बार इसे कोई भी सेंद्रिय खाद और फंगीसाइड जरूर डालें। सुगंधी खुशबू वाले फूलों के पौधों को सेंद्रिय चीज़ों का उपयोग करने पर इनके फूलों की खुशबू और ताजगी ज़्यादा समय तक टिकी रहती है। स्वर्ण चंपा के फूलों की बहर जून से सितंबर तक होती है। जल्द ही आपके पौधे को कलियां और फूल आने शुरू हो जाएंगे। पेड़ पर एक भी फूल खिला तो उसकी खुशबू आसपास की हवाओं में बिखर कर ऐलान करती है। आप भी इसी प्रकार स्वर्ण चंपा का पौधा अपने आंगन या बगीचे में लगाकर इसके स्वर्गीय खुशबू का आनंद लीजिए। मधुबन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरी नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।